डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, आज आप लोगों को पेट्रोमाइजोन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्ट्री फॉर्मिस, फैमिली पेट्रोमाइजोन्टिडी, जीनस पेट्रोमाइजोन, स्पीसीज पेट्रोमाइजोन मेराइनस। पेट्रोमाइजोन, इन्हें साधारणतया लैम्प्रे भी कहा जाता है। थ्री स्पीसीज आर फाउंड इन बोथ साल्ट एंड फ्रेश वाटर। पेट्रोमाइजोन मेराइनस सी लैम्प्रे इज द मेराइन स्पीसीज। लैम्पीट्रा फ्लूवियटिलिस इज द फ्रेश वाटर लैम्प्रे। देयर नेम मीन्स स्टोन लीकर्स। दे आर एक्सटर्नल पैरासाइट्स। लैम्प्रे की तीन स्पीसीज हैं जो कि लवणीय तथा अलवणीय जल में पाई जाती हैं। पेट्रोमाइजोन मेराइनस ये समुद्र में पाए जाने वाली स्पीसीज है, इसलिए इनको सी लैम्प्रेस कहा जाता है, तथा लैम्पीट्रा फ्लूवियटिलिस अलवणीय जल में पाए जाने वाली स्पीसीज है, इसलिए इनको फ्रेश वाटर लैम्प्रे कहा जाता है। ये बाह्य परजीवी होती हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैम्प्रे। ओरल डिस्क बक्कल फनल विद एपिडर्मल डेंट्रिकल्स एंड रेस्पिंग टंग, एक्टिव प्रीडेटरी पैरासाइट्स। इन प्राणियों में मुख्य ओरल डिस्क या बक्कल फनल मुख कीप पाई जाती है, जिसमें एपिडर्मल डेंटिकल्स तथा एक बाहर निकल सकने वाली जीवा प्रेजेंट होती है। ये एक्टिव प्रीडेटरी पैरासाइट्स होते हैं। नो बोन, इनमें बोन या हड्डी नहीं होती। नोस्ट्रिल ऑन टॉप ऑफ हेड, नासा छिद्र सिर के शीर्ष पर होते हैं। वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेट आइज, वेल डेवलप्ड आइज प्रेजेंट होती हैं। वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन सिस्टम, बेस्ट डेवलप्ड पीनियल आई ऑफ एनी एक्वेटिक वर्टिब्रेट। किसी दूसरे एक्वेटिक वर्टिब्रेट की अपेक्षा इसमें सबसे अधिक सुविकसित पीनियल आई उपस्थित होती है। टू पेयर्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यूनिफॉर्मली सेवन पेयर्स ऑफ गिल्स। कार्टिलेजिनस, इनमें दो पेयर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। सात जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, ये कार्टिलेजिनस होती हैं। एग्स डिपॉजिटेड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर लार्वा। मैनी स्पीसीज हैव फ्रेश वाटर एडल्ट, बट मोस्ट माइग्रेट टू सी एंड हैव मेराइन एडल्ट स्टेज।
एनाड्रोमस। एग्स या अंडे फ्रेश वाटर में डिपॉजिट किए जाते हैं, दिए जाते हैं। इसमें अलवणीय जल में रहने वाला लार्वा होता है, फ्रेश वाटर लार्वा। लैम्प्रे की कई जातियों के वयस्क फ्रेश वाटर या लवणीय जल में रहने वाले होते हैं, लेकिन अधिकतर ये समुद्र की तरफ या समुद्र में माइग्रेट करती हैं तथा इनमें समुद्र में पाई जाने वाली वयस्क अवस्था पाई जाती है, यानी कि मैराइन एडल्ट स्टेज पाई जाती है। ऐसे माइग्रेशन जिस जो फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ हो, ऐसे माइग्रेशन को या ऐसे प्रवास को एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ पेट्रोमाइजोन। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिविजन्स, हेड, ट्रंक एंड टेल, ग्रीनिश ब्राउन इन कलर। इट इज विदाउट एक्सोस्केलेटन, soft and slimy by secretions from epidermal glands. इनका शरीर तीन भागों head, trunk तथा tail में विभाजित होता है। इनका color greenish brown, हरे भूरे रंग का होता है। इनमें exoskeleton नहीं पाया जाता। epidermal glands के secretion के कारण ये इनका शरीर सॉफ्ट तथा स्लाइमी, चिपचिपा तथा मुलायम बना रहता है। फिन्स, इनके शरीर पर फिन्स पाए जाते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, पेयर्ड उपांग या युग्मित उपांग नहीं होते। दो असमान मीडियन डॉर्सल फिन्स पाए जाते हैं। इन्हें क्रमशः फर्स्ट डॉर्सल फिन तथा सेकंड डॉर्सल फिन कहा जाता है। इसके अलावा एक कॉडल फिन भी पाया जाता है। बक्कल फनल या मुख कीप। द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी और हेड बियर्स ए वेंट्रली डायरेक्टेड लार्ज कप लाइक डिप्रेशन, द सकर और बक्कल फनल। This is surrounded by a marginal membrane basset with numerous soft small projections, the oral papillae, which help in attachment to a fish. The longer sensory processes are project out from the papillae. These are known as cirri. The inside of buccal funnel is basset with rows of conical येलो हॉर्नी एपिडर्मल टीथ। ए स्मॉल सर्कुलर माउथ ओपनिंग इज सिचुएटेड एट द एपेक्स ऑफ द बक्कल फनल। द टंग बियर्स लार्ज हॉर्नी टीथ। शरीर के अग्रछोर या सिर के प्रतिपृष्ठ और एक बड़ा प्याले सदृश गर्त चूषक या मुख कीप पाया जाता है। यह अनेक कोमल छोटे उभारों, मुख झालर या अंकुरों से युक्त एक सीमांत कला से घिरा होता है जो मछली से चिपकने में सहायक होते हैं। अंकुरों के बीच लंबे संवेदी प्रवर्ध या सिराई निकले होते हैं। सिराई के बीच लंबे इनके बीच में ये अंकुरों के बीच में ये सिराई प्रेजेंट होते हैं। मुख कीप के भीतर शंक्वाकार पीले शंघीय उपचर्मीय दांतों की अरीय पंक्तियां लगी होती हैं। दांतों का विन्यास अत्यंत निश्चित होता है। ये दांत वर्टिब्रेट्स के वास्तविक दांतों के समजात नहीं होते। मुख कीप के शीर्ष पर एक छोटा वृत्ताकार मुख द्वार होता है। मुख के ठीक नीचे
की ओर पीछे टंग निकली रहती है। इस पर भी बड़े तथा श्रृंगीय दंत होते हैं। यहाँ देखिए इस डायग्राम में हमें पेट्रोमाइजोन दिखाई दे रही है। फिश के समान, मछली के समान ही इनका शरीर है। शरीर हेड, ट्रंक तथा टेल में डिवाइडेड है। टेल पार्श्वीय संपीड़ित होती है। शरीर का रंग हरा, हरित, भूरा या चितकबरी होता है। सिर पर नॉस्ट्रेल दिखाई दे रही है, आईज दिखाई दे रही हैं। एकदम अग्र छोर पर या हेड के शीर्ष पर बक्कल फनल उपस्थित है। पीछे एक्सटर्नल गिल स्लिट्स दिखाई दे रही हैं। ये 7 जोड़ी होती हैं। डॉर्सल साइड में एंटीरियर डॉर्सल फिन तथा पोस्टीरियर डॉर्सल फिन प्रेजेंट हैं। टेल के चारों तरफ कॉडल फिन उपस्थित है। इस तरह से ये यहाँ पर हमें इसकी बाह्य आकृति पता चल रही है। ये बक्कल फनल का वेंट्रल व्यू है। मुख जो है वो कीप के समान है, इसलिए इसको बक्कल, इस संरचना को बक्कल फनल कहा जाता है। बाहर मार्जिनल मेम्ब्रेन उपस्थित है। वहाँ पर बीच बीच में ओरल फिम्ब्रिसे उपस्थित हैं। इस तरह से झालर नुमा इसकी मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर सेंसरी सिराई प्रेजेंट होते हैं। एकदम सेंटर में माउथ ओपनिंग दिखाई दे रही है। माउथ के बीच में टंग दिखाई दे रही है। टंग में टीथ होते हैं। इसी तरह से पूरी बक्कल कैविटी में कई सारे दांत प्रेजेंट हैं, जो कि एक निश्चित क्रम में विन्यासित होते हैं। यहाँ पर हेड का डॉर्सल व्यू दिखाई दे रहा है, जिसमें बीच में मीडियन एक्सटर्नल नेरिस या नेजोफेरिंजल अपर्चर दिखाई दे रहा है तथा लेटरल साइड में 2 लेटरल आईज या नेत्र दिखाई दे रहे हैं। द 2 आईज लैक आई लिड्स एंड आर कवर्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ स्किन। दोनों आँखों में आई लिड्स नहीं होते तथा ये एक ट्रांसपेरेंट स्किन के एक ट्रांसपेरेंट एरिया द्वारा कवर्ड रहती हैं। अपर्चर्स माउथ नोस्ट्रिल 7 स्मॉल राउंडेड ओपनिंग्स ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लेट्स क्लोइका न्यूमरस स्मॉल सेंसरी पोर्स ऑफ द लेटरल लाइन सिस्टम। पेट्रोमाइजोन के शरीर में कई अपर्चर्स या छिद्र पाए जाते हैं, जैसे कि माउथ नोस्ट्रिल तथा एक्सटर्नल गिल स्लेट्स की ओपनिंग्स, जो कि 7 होती, 7 पेयर्स होती हैं दोनों लेटरल साइड में। क्लोइका तथा लेटरल लाइन सिस्टम के कई स्मॉल सेंसरी पोर्स। तो माउथ मुख, जैसे कि हमने देखा, मुख कीप के शीर्ष पर मुख एक संकीर्ण छिद्र होता है। नोस्ट्रिल
सिर पर दोनों नेत्रों के मध्य एक छोटा नोस्ट्रेल या नेजोफेरिंजल अपर्चर होता है। फिर एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, बाह्य गिल छिद्रों के साथ गोल द्वार, सिर के प्रत्येक पार्श्व में नेत्र के ठीक पीछे एक लंबी अनुदैर्ध्य पंक्ति बनाते हैं। क्लोएका या अवस्कर, धड़ और धूम के जोड़ पर अधर तल पर एक छिद्र सदृश गर्त अवस्कर होता है या क्लोएका होता है। ये एक जनन मूत्र पैपिला जिसके सिरे पर सूक्ष्म जनन मूत्र छिद्र खुलता है, क्लोएका में से बाहर निकलता है। इसके ठीक सामने क्लोएकल डिप्रेशन में एक छोटा मल द्वार या एनस खुलता है। सेंसरी पोर्स, शरीर के प्रत्येक पार्श्व के साथ साथ और सिर के नीचे पार्श्व रेखा तंत्र के अनेक अनेक छोटे संवेदी अंग फैले रहते हैं। हैबिट्स, इट इज ए रेदर अनप्लेजेंट एनिमल। The larval phase is a freshwater, sedentary and filter feeding. The adult lives in the sea and the external parasites on fishes. It clinges to fishes, turtles, etc. with its powerful suctorial mouth and cut the scales and skin using their teeth to get to the blood and body fluid and secreting an anticoagulant onto the tissue. Petromyzon, एक unpleasant animal है। इसकी larval अवस्था fresh water या अलवणीय जल में रहने वाली होती है, sedentary तथा फिल्टर फीडिंग होती है, जबकि इसका एडल्ट सी वाटर में रहता है, सी में रहता है तथा ये फिशेस के ऊपर एक्सटर्नल पैरासाइट्स या बाह्य परजीवी के रूप में रहते हैं। ये फिशेस पर चढ़ जाते हैं, फिशेस या टर्टल्स पर चढ़ जाते हैं अपने शक्तिशाली चूषकीय मुख से, ये उनके स्केल्स तथा स्किन को अपने दांत काट देते हैं अपने दांतों की सहायता से, और उसके बाद ये उसके ब्लड तथा बॉडी फ्लूड को सक कर लेते हैं और ये वहाँ पर एक एंटीकोगुलेंट का सीक्रेशन करते हैं। रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर सेपरेट। मैच्योर सी लैम्प्रेज माइग्रेट इनटू रिवर्स और स्ट्रीम्स इन अप्रैल टू जुलाई फॉर ब्रीडिंग। पीक स्पॉनिंग अकर्स इन जून एंड जुलाई बिफोर द डेथ ऑफ द एडल्ट्स। मेल्स मूव पेबल्स फ्रॉम ए सैंडी बॉटम बाय देयर बकल फनल एंड मेक ए नेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए हॉर्स शू शेप्ड डिप्रेशन और पिट। फीमेल्स विल एंकर देमसेल्व्स बाय देयर ओरल डिस्क टू ए स्टोन इन द नेस्ट एंड ए मेल विंड्स हिज टेल अराउंड हर एंड एग्स एंड स्पर्म्स आर डिस्चार्ज्ड। वंस द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज ओवर बोथ फीमेल्स एंड मेल्स डाई विद इन डेज। Also, adults do not sperm die due to degeneration of internal organs, lack of essential substances, and the accumulation of poisonous metabolites. Reproduction या जनन, Petromyzon में sexes या लिंग पृथक होते हैं।
लैंगिक परिपक्वता होने पर एक बड़ा गोनेड अधिकांश उदर गुहा को घेर लेता है। कोई जनन वाहिनी नहीं होती। परिपक्व अंडे या शुक्राणु जनक से सिलोम में आ जाते हैं। जेनाइटल पोर से जनन मूत्र कोटर में जाते हैं और जनन मूत्र छिद्र से शरीर छोड़कर जल में चले जाते हैं। बसंत अथवा ग्रीष्म के आरंभ में लैम्प्रेज लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती हैं और पास की किसी ताजे जल की सरिता या नदी में प्रजनन के लिए प्रवास करती हैं। नर जंतु अपने मुख कीपों से रेतीली तली के कंकर हटाकर एक छिछले गोल गर्त या खट्टे के समान का घोंसला बनाते हैं। जब एक मादा घोंसले के किसी पत्थर से संलग्न हो जाती है तब एक नर अपनी दुम उसके चारों ओर लपेट लेता है तथा अंडे और शुक्राणु निकाल दिए जाते हैं। एक से अधिक जोड़े उसी घोंसले में अंडजनन या स्पॉनिंग करते हैं। वयस्क अंडजनन के पश्चात मर जाते हैं। इसके अलावा वो एडल्ट्स जो कि अंडजनन नहीं करते वो भी इंटरनल ऑर्गन्स के डीजनरेशन के कारण मर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में सी लैम्प्रे के लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है। लेक में या इसमें सी में पैरासिटिक फेज लैम्प्रे की, उसके बाद इनका माइग्रेशन ऑफ मैच्योर एडल्ट्स इनटू स्ट्रीम। अप्रैल जून में ये यहाँ पर हैं। उस इसके बाद डेथ ऑफ स्पेंट एडल्ट्स, फिर सेडेंट्री फेज लगभग 4 ईयर की, जो कि स्ट्रीम में यहाँ पर लार्वल फेज है। उसके बाद वापस ट्रांसफॉर्मेशन सितंबर मई में, और फिर वापस से इनका माइग्रेशन। सेडेंट्री फेज, the eggs hatch after approximately 13 days and attain a length of approximately 6.4 mm. The blind worm-like larval lamprey is known as amoecetes. Small worm-like larvae swap downstream and when they locate suitable habitat, usually slits or sand, stream bottom and banks in slower moving waters, they burrow in and take up residence and undergo a sedentary phase. The larvae feed microorganisms, ciliates and diatoms from the water through filter feeding, last from 3 to 17 years. लगभग 13 दिनों में एग्स हैच होते हैं। उसके बाद ये लगभग 3.4 mm की अपनी हाईएस्ट लंबाई को अटेन कर लेते हैं।
इनकी लार्वा अवस्था ब्लाइंड वर्म के समान होती है, जिसे एमोसीट बोलते हैं। छोटा वर्म के समान लार्वा समुद्र से निकलकर डाउनस्ट्रीम या फ्रेश वाटर में पहुंचता है। देन दे लोकेट सुटेबल हैबिटेट, उसके बाद ये एक सुटेबल हैबिटेट को लोकेट करते हैं। अधिकतर ये नीचे बॉटम पर स्माइल वर्म लाइक लार्वी स्वैप डाउन स्ट्रीम एंड व्हेन दे लोकेट सुटेबल हैबिटेट यूजुअली सिट और स्टैंड स्ट्रीम बॉटम्स एंड बैंक्स इन स्लोअर मूविंग वाटर। दे बरो इन एंड टेक अप रेजिडेंस एंड अंडरगो ए सेडेंट्री फेज। द लार्वी फीड माइक्रो ऑर्गेनिम्स ciliates and diatoms from the water through filter feeding, last from 3 to 17 years. Free swimming stage. After sedentary phase, the larvae undergo metamorphosis. This begins in mid-July and lasts until the end of September. Obvious external changes occur in the sea lamprey, including the development of functional eye, a oral disc lined with teeth, and a grasping tongue. Sea lamprey also changes its color. Also, their kidneys change to allow them to live in seawater. Then lamprey leave the stream and enter the sea. The lamprey paralyzes the host fish by using their oral disc to suck blood and body fluid. Once this parasitic stage is over, lamprey return to stream and the life cycle begins all over again. Free swimming stage. Sedentary phase ke baad लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है। यह मेटामॉर्फोसिस मिड जुलाई में शुरू होता है तथा सितंबर के आखिर तक चलता है। इस दौरान सी लैम्प्रे में कई बाह्य परिवर्तन दिखने को मिलते हैं, जैसे कि फंक्शनल आईज का डेवलपमेंट, ओरल डिस्क तथा इसके टीथ का बनना, ग्रास्पिंग टंग का बनना। इस तरह से इसमें ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। सी लैम्प्रे अपना कलर भी चेंज कर लेती है, उनकी किडनीज में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद ये लैम्प्रे स्ट्रीम्स या फ्रेश वाटर हैबिटेट को छोड़ देकर सी में एंटर हो जाती हैं। सी में पहुंचने के बाद ये लैम्प्रेज अपने होस्ट फिश को पैरालाइज करती हैं अपने ओरल डिस्क की सहायता से तथा उनके ब्लड को या तथा बॉडी फ्लूड को सक कर लेती हैं, करने लगती हैं। एक बार ये पैरासिटिक स्टेज ख़त्म हो जाती है तो ये स्ट्रीम की तरफ लौटती हैं और इस तरह से इनका लाइफ साइकिल वापस शुरू हो जाता है। यूजेस। लैम्प्रेज हैव बीन यूज्ड एज फूड फॉर ह्यूमंस इन साउथ वेस्टर्न यूरोप। Larger lampreys are still a highly prized delicacy. And third, both
इन ब्रिटेन लैम्प्रेज आर कॉमनली यूज एज बेट। ब्रिटेन में लैम्प्रेज अधिकतर प्रलोभक के रूप में यूज की जाती हैं। लैम्प्रेज का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। साउथ वेस्टर्न यूरोप में जितनी बड़ी लैम्प्रेज होंगी उतना ही उनका प्राइस मिल जाता है। तो आज हमने पेट्रोमाइजोन के बारे में पढ़ा, उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं तथा वो कैसे अपना जीवन बिताती हैं और कहाँ बिताती हैं, ये सब बातें हमने पढ़ी। थैंक यू।